हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आवर सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख ले। तो स्टार के बाद अब हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। इफ यू ऑब्जर्व द स्टार इन द क्लियर नाइट स्काई, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप एंड पैटर्न एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपने कभी, जब आसमान साफ होगा, क्लियर नाइट स्काई रात में, तो आपने देखा होगा कि जो तारे होते हैं वो डिफरेंट शेप बनाते हैं, अलग अलग आकार बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं। द फॉर्मेशन में रिसेम्बल एनिमल्स, ह्यूमन और एनी अदर ऑब्जेक्ट। और वो जो आकार है वो किसी जानवर का हो सकता है, इंसान का हो सकता है, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का हो सकता है। The groups of star which are recognized by the formation are called constellation। और उसी ग्रुप को जिसे किसी फॉर्मेशन, किसी आकार के रूप में जाना जाता हो, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। अब हम मालूम है जितने आदमी के राशि होते हैं वो सारे कॉन्स्टिलेशन पे लिए गए हैं, जैसे तुला राशि, सिंह राशि, तो जितने ये राशि है सारे कॉन्स्टिलेशन पे लिए गए, उसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे उर्सा मेजर, ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट बियर। उर्सा मेजर, जिसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है, इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवरल स्टार। वो भी एक कॉन्स्टिलेशन है जिसमें कई सारे तारे हैं, तो तारों के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। लेकिन सभी तारों के ग्रुप को नहीं, जो कोई एक खास फॉर्मेशन, कोई खास शेप आकार बनाते हो, उसे ही हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। इट अपीयर्स इन द नॉर्थन स्काई। और अब ग्रेट बियर को नॉर्थन स्काई, उत्तर में देख सकते हैं, आसमान में रात में दिखता है। इन इंडिया द सेवन स्टार कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। और भारत में इन सात जो कॉन्स्टिलेशन है, सात जो तारे हैं, उन्हें सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अच्छा, जो सप्तऋषि मंडल होते हैं, सात तारे में नहीं दिखते आसमान में एक जगह, तो उसे हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और अंग्रेजी में ग्रेट बियर या फिर उर्सा मेजर इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और भी बहुत सारे स्टार के फॉर्मेशन, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए सभी कोई ना कोई आकार बना रहे। ये हुआ कैपिकॉन, कर्क रेखा, जैसे स्कॉर्पियस हुआ, क्विला हुआ, लिब्रा हुआ, तुला राशि। तो ये देखिए सारे राशि पे है, ठीक है। विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। और ये सारे नाम एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिकों ने दिया है। द टू ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स, पॉइंट टुवर्ड द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा इन द नॉर्थन स्काई। और दो जो चमकीले तारे हैं, सबसे चमकीले तारे हैं सप्तऋषि मंडल में, उन्हें पॉइंटर्स कहते हैं। और पॉइंट टुवर्ड स्टेशनरी, और ये जो तारे हैं उन्हें पोल स्टार, पोल यानी ध्रुव तारा भी कहते हैं, जो कि आपको उत्तर में देखने को मिलेगी। पहले के लोग इसी से दिशा डायरेक्शन जानते थे, देखते थे ध्रुव तारा किधर है, तो उधर उत्तर होगा, तो उसके पीछे दक्षिण होगा, पूरा पश्चिम, तो ऐसे करके वो लोग जानते थे। पोल स्टार लाइज अबव द नॉर्थ पोल। और पोल स्टार जो है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पे है। इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और यह हमेशा उत्तर दिशा बताता है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, कि जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इंडियंस एंड ग्रीक्स हैव बीन स्टडिंग द शेप एंड पैटर्न ऑफ स्टार सिंस एंशिएंट टाइम्स। और जो भारतीय है या फिर जो ग्रीक्स थे, ग्रीक के लोग थे, वो जो तारों का शेप और पैटर्न है, इसके बारे में आज से नहीं, प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द शेप साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप टू स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज। और मॉडर्न टाइम, अब तो नया जमाना आ गया है, तो अभी क्या हो रहा है, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, स्पेस साइंटिस्ट है और एस्ट्रोनॉमर्स है, वो पावरफुल और लार्ज साइज टेलीस्कोप, बड़े बड़े दूरबीन का प्रयोग, शक्तिशाली दूरबीन का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो कैलेस्टियल बॉडीज, जो ऊपर जो भी ग्रह है, तारे हैं,
कॉन्स्टिलेशन है जितने भी है उसके बारे में और अच्छे से स्टडी कर पाए। द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द सन एंड इट्स कंपेनियन कलेस्ट्रियल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। द एट प्लेनेट्स देयर कंपेनियन सैटेलाइट्स एस्ट्रॉइड मेट्योर्स एंड कॉमेट आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सूरज जो है अपने साथियों यानी अपने कंपेनियन के साथ कलेस्ट्रियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम बनाता है। देखते सूर्य है, सोलर सिस्टम के बीच में सूर्य होता है और उसके चारों ओर उसके जो कंपेनियन यानी जो ग्रह है कौन कौन होते हैं, जो एट प्लेनेट, पहले तो आठ प्लेनेट है जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, फिर कंपेनियन सैटेलाइट, फिर इन आठों ग्रहों के जो जो सैटेलाइट है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है तो वैसे ही जैसे बृहस्पति का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो ये सारे और एस्ट्रॉइड जो कि उल्काएं हैं, उल्कापिंड, मेट्योर्स है जो कॉमेट है, ये सभी सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ये सभी उसी के मेंबर है। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं एक फिक्स पाथ में जिसे कि ऑर्बिट कहते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। अ क्वेश्चन सम टाइम अराइज इन आवर माइंड, हाउ वेयर द सन एंड इट्स कंपेनियन बोन्स। कभी कभी आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा, वैज्ञानिकों के दिमाग में भी उठा है, हर कोई सोचता है कि आखिर कैसे ये सूर्य और उसके जो कंपेनियन है, ये जो ग्रह है, ये जो उल्काएं हैं, ये आखिर कैसे बनी होगी, कैसे इनका जन्म हुआ होगा। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। कुछ वैज्ञानिक ये बिलीव करते हैं, मानते हैं, वो भी श्योर नहीं है, लेकिन वो मानते हैं दैट अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस, कि गैस का बहुत बड़ा जाइंट विशाल बादल था गैसों का, एंड डस्ट जिसमें धूल भी थे, कॉल्ड द नेबुला जिसे नेबुला कहते हैं, वो अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, जो कि अंतरिक्ष में 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। बिलियन आप जानते हैं ना, 10 करोड़ का एक बिलियन होता है, तो 10 20 30 40 करोड़ मतलब बहुत साल पहले जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे। इट कूल्ड एंड गेन वेरी फास्ट रोटेशन। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ जो ये गैस थे वो ठंडे हो गए और बहुत तेज घूमने लगे। द एट बॉल ऑफ गैसेस ऑफ डिफरेंट साइज वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला एंड द बॉल इट सेट चेंज इन टू अ स्टार नोन एज द सन। और इसी में से क्या हुआ, जब वो तेज घूमने लगा तो इसमें से आठ साइज के, डिफरेंट साइज के शेप निकले, जो कि बाद में प्लेनेट बन गए, ग्रह बन गए, और जो बॉल जो गैस था तो अपने वो स्टार बन गया, जिसे हम लोग सन कहते हैं, सन भी एक स्टार है। द अदर एट बॉल चेंज टू प्लेनेट, और बाकी जो आठ थे वो ग्रह बन गए। अब देखिए नेबुला फॉर्मिंग प्लेनेट, देखिए नेबुला में ऐसे प्लेनेट का निर्माण होता है। इट इज बिलीव दैट द सैटेलाइट वेयर फॉर्मड व्हेन स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रल मास एंड वेयर अट्रैक्टेड विद देयर प्लेनेट्स। और यह माना जाता है कि जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो बने जब स्मॉल बॉल ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास, जब वो सेंट्रल मास से जो गैस सेपरेट हुए और प्लेनेट के द्वारा अट्रैक्ट हुए, प्लेनेट की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके द्वारा अट्रैक्ट हुए, तब सेटेलाइट उपग्रह का निर्माण हुआ। दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लेनेट्स, और जब ये बने सेटेलाइट तो वो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब देखते हैं मून भी जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। लर्निंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। द वर्ड प्लेनेट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानास, प्लानास थाई, विच मीन्स वांडरर। ये जो प्लेनेट शब्द है वो ग्रीक वर्ड प्लानास थाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वांडरर, वांडरर यानी कि घूमना, भटकना। द वर्ड सैटेलाइट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और जो सैटेलाइट शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है
एन अटेंडेंट, यानी अटेंडेंट उसके साथ ही उसका हेल्पर। और लास्ट द वर्ड सोलर इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलरिस विच मीन्स सन, और जो सोलर शब्द है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिस सोलरिस जिसका मतलब होता है सूरज, यानी सोलर को आप सूरज भी बोल सकते हैं, सोलर फैमिली यानी सौर परिवार, ठीक है, सूर्य का परिवार। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में द सन के बारे में देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये भी, सन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।